The new topic, which is known as your आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये एड्यूरेका का एक वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच देन यू कैन, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू वॉच दिस वीडियो टू बेटर अंडरस्टैंड। बट आई हैव टेकन दिस वीडियो एग्जैक्टली फ्रॉम एड्यूरेका एंड द इंस्ट्रक्टर नेम इज़ सौरव। वो एलोबरेटेड होल द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विथ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स। So what exactly the artificial neural network is? So first understand what is neural. Neural means the neurons, ठीक है? Neurons. So what is neuron? Neuron is the small elements of your brain. तो हमारा जो ब्रेन होता है, उसमें जो स्मॉल स्मॉल एंटिटी होती है, सो आवर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ मेनी न्यूरोन्स। All the neurons are interconnected to each other, and why it is interconnected? So that they can interact with each other and pass the instruction to each neuron. So all neurons are connected to each other in our brain. तो उसी ब्रेन का एक जो नेटवर्क होता है उसको ही न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है? उसे ही न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और इसको आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए मॉडल और ए टेक्निक, वी कैन से वी आर गोइंग टू क्रिएट ए टेक्निक विच मिमिक द प्रोसेस ऑफ आवर एक्चुअल ब्रेन स्ट्रक्चर। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं पता कि एक्चुअल जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, बट एज पर दी साइंटिस्ट इनोवेशंस एज ऑफ नाउ दे हैव आइडेंटिफाइड दैट दे आर numerous number of neurons interconnected to each other and they are transmitting the information among each other. तो ये कंसेप्ट है जो कि मशीन लर्निंग में यूज हुआ है, विच इज नॉन एज द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच मिमिक्स द प्रोसेस ऑफ अवर ह्यूमन ब्रेन, ठीक है? तो ये वाला वीडियो है, आई वुड रिकमेंड कि ये वाला वीडियो एक बार देखना, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल वीडियो। सो बिफोर गोइंग टू the actual topic, he has taken this example कि हमें artificial neural network के through we have artificial neural network and we have to identify and we have to ठीक figure out if the bank notes are real or fake. तो अगर सर। bank notes को, हाँ कोई हेलो, पीपीटी, चल रही है क्या? अभी के हाँ लिए पीपीटी कुछ विजिबल नहीं हो रही। कुछ विजिबल नहीं हो रहा क्या नो यार? वीडियो मैंने विजिबल तो किया है इसमें। लेट मी जस्ट चेक। अभी कुछ दिख रहा है? नो सर, मे बी सर मेरा इश्यू, मैं रिजॉइन करता हूँ। हाँ रिजाइन कर लो फिर। यस सर, नाउ विजिबल। हाँ तो अभी पहले ये देखते हैं, वीडियो दिख रहा है क्या तुम्हें? वीडियो दिख रहा है? यस सर, आईडी रेखा। हाँ एड्यूरेका। तो ये एड्यूरेका का वीडियो है, हमने बात की थी कि आपका यहाँ पे जो न्यूरल नेटवर्क है उसके पर्सपेक्टिव से। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ समथिंग। I don't know why it is not.
अच्छा ड्रॉ करना में कोई इश्यू आ रहा है? अब अभी विजिबल तो है ना? यस सर, विजिबल। हाँ ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्या है? जो न्यूरॉन्स है, जो न्यूरॉन्स है, जैसे कि ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूरॉन्स है वो इंटरकनेक्टेड है। सो दीज आर द न्यूरॉन्स विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड मेक्स ए नेटवर्क। एंड आर्टिफिशियल क्या है? जो भी आपका ब्रेन स्ट्रक्चर है, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर को ये मिमिक कर रहे हैं एक टेक्निक के थ्रू, जिसको कहते हैं हम ANN, जिसको ANN कहते हैं। तो there is some problem. अभी शायद ड्रॉ हो जाना चाहिए। देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वाला अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसने क्या किया है कि ANN को यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन बैंक नोट इज रियल और फेक। तो या तो वो रियल होगा या फेक होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसने बैंक नोट का एक एग्जांपल लिया है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई बैंक नोट आपको मिला है वो रियल है या फेक है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे इसने चार पैरामीटर लिए हैं, इस वाले एग्जांपल में देखेंगे देयर आर फोर पैरामीटर्स एंड दिस इज द लेबल और दिस इज द आउटपुट लेबल विच शोज इफ इट इज जीरो इट मीन्स इट इज फेक, इफ इट इज वन देन इट इज रियल वन, राइट? सो देयर आर टू कैटेगरीज which shows that whether your given note is real and fake. और ये किस पर depend करेगा? ये चार factors हैं। ये चार factor क्या है? The variance of the wavelet transformed image, skewness of wavelet transformed image, and kurtosis of the wavelet transformed image, and entropy of image. So there are four different features. तो अगर आपने input में चार features दिए तो output में वो बता देगा कि भाई the given note is real or fake. तो ये 0 और 1 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है? अब क्या पूरा प्रोसेस है, ठीक है, क्या प्रोसेस पूरा प्रोसेस है फॉर द न्यूरल नेटवर्क? तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर, देन यू आर गोइंग टू रीड द डेटा सेट, ठीक है? आपने स्टार्ट किया, आपके पास जो भी डेटा सेट था, जैसे मैंने अभी जो डेटा सेट दिखाया जिसमें चार फीचर्स थे और एक आउटपुट था, वो लिया। अब ये क्या कर रहा है, उसके फीचर्स को और लेबल्स को डिफाइन कर रहा है। तो फीचर्स क्या है, जो चार फीचर्स थे, और लेबल क्या है, जो आउटपुट थे 0 1। अब ये इसको एनकोड कर रहा है जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा था आपका लीनियर रिग्रेशन के अंदर। सो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको एनकोड करना एंड देन डिवाइड द डेटा सेट इंटू टू पार्ट्स विच इज नोन इन द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग किस लिए है, ताकि हम मॉडल को ट्रेन कर सकें, एंड टेस्टिंग किस लिए है, ताकि हम मॉडल को टेस्ट कर सकें जो भी मॉडल हमने बनाया है। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दीज आर द फीचर्स, दीज आर द आउटपुट वेरिएबल्स, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ यू हैव डिवाइडेड द एंटायर डेटा सेट इंटू टू पार्ट्स, द ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। नाउ यू यूज सम टेक्निक जस्ट लाइक टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो आपका न्यूरल नेटवर्क के लिए एक पाइथन की लाइब्रेरी है। तो ही इज शोइंग दैट you can use TensorFlow data set for the holding the features or labels etc. theek hai, now using this TensorFlow you have implemented the model and now it is tasked to train the model, right? train the model. to model ko train karne ke liye aap kya karte hain, again and again usko train karte rehte hain aur fir check karte hain ki kya uski jo MAE hai ya fir jo error hai, theek hai, mean squared error jo hai वो क्या होती है, एक्चुअल जो आपने आउटपुट आया था और आपका जो डिजायर्ड आउटपुट था वो क्या है। सो एक्चुअल आउटपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम कह देंगे जो एरर है, और उस एरर को हमें रिड्यूस करना है और हम उसको अगेन एंड अगेन ट्रेन करते रहेंगे जब तक कि आपकी एरर मिनिमाइज नहीं हो जाए, ठीक है? अगेन एंड अगेन इट इज इटरेटिंग द ट्रेनिंग सेट सो डेट द एरर कैन बी रिड्यूस।
After some iteration, let's suppose your error has been minimized, and now it is time to make the predictions on the test data. तो ये सारा का जो काम हो रहा था ये आपका ट्रेनिंग सेट पे हो रहा था, क्योंकि हमने डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पे. और जब ये ट्रेनिंग सेट का काम हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया, भाई हमारा मॉडल जो है एकदम ओके है, नाउ इट इज टाइम टू प्रिडिक्ट ऑन द टेस्ट डेटा. टेस्ट डेटा पे आप प्रिडिक्ट करेंगे और फिर ये आपका एंड हो जाएगा. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द व्हाट यू कैन से ऑफ बिल्डिंग अ मॉडल, राइट, बिल्डिंग अ मॉडल एंड एज वेल एज टेस्टिंग द मॉडल. तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो इसने पाइथन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे अगर देखेंगे कि मल्टीपल इटरेशन चल रहे हैं 65, 67 to 80, एंड इस टाइम द एरर इज वेरिंग. ठीक है, एरर जो है वो चेंजेस हो रही है एमएससी अगर देखेंगे. तो ये पूरा प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द वीडियो इसने एक्सप्लेन किया है. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन वॉच ऑन द एडुरेखा वीडियो. नाउ आज के टॉपिक में क्या क्या डिस्कस होने वाला है, द न्यूरल नेटवर्क्स, देन व्हाट इज द मोटिवेशन व्हाई न्यूरल नेटवर्क इज यूज्ड, एंड व्हाट इज द सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, एंड व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क. तो पहले क्या प्रॉब्लम थी और अभी क्या प्रॉब्लम. देखो पहले क्या था, पहले डेटा सेट बहुत स्मॉल हुआ करता था, प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही लिमिटेड हुआ करती थी. और अगर मशीन लर्निंग के अंदर बात करें तो क्लासिफिकेशन की या क्लस्टरिंग की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो लिमिटेड होती थी, क्योंकि हमारे पास डेटा ही बहुत लिमिटेड था. अब चूंकि जो सिस्टम से आपके जीपीयूज में आने लग गए, तो डेटा सेट जो सोशल नेटवर्क है इनकी वजह से डेटा सेट भी इंक्रीज होने लग गया, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने लग गई. तो अगर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है उनको सोल्व करने के लिए आपका जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, वो फेल कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो जो मेथड थे वो एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करते थे कि पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा, फिर डी चलेगा. तो उसमें क्या था कि आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शन थे एंड यू ऑल्सो अवेयर अबाउट द आउटपुट कि ये वाला आउटपुट ही रहेगा. ठीक है, वो एक डिफाइंड एक सिक्वेंस था. लेकिन अभी क्या हो गया कि बहुत ही अनसर्टेन आपको डेटा सेट मिल रहा है, यू डोंट नो वॉट विल बी द आउटपुट and you don't have a certain instructions to be followed. ठीक, तो इसलिए neural networks जो है pictures में आया है, क्योंकि जो जो आपका traditional methods है वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे. तो after neural networks the computers can do things that we don't exactly know how to do. मतलब जो ये एक structure दिख रही है यहाँ पे, this is known as the neural network. So through neural network we can do the things that we don't exactly know how to do. ठीक है, तो neural network learn by example. तो हमने कुछ examples दिए हैं और उस examples से they cannot be programmed to perform a specific task. कि आपने ऐसे नहीं है कि आपने चार instruction दे दिए, अगर ये input आया है तो ये output दे देंगे. नहीं, इसमें नहीं है. इसमें एक learning process होता है और वो learning process होता है through the training. ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें कैसे होता है. अब एक्चुअल में जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर न्यूरॉन कैसे दिखता है. सो दिस इज द एक्चुअल व्हाट यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन इन द ह्यूमन ब्रेन. तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि दिस इज नोन एज द डेंड्राइट. तो डेंड्राइट का काम क्या होता है कि यहाँ पे कोई दूसरा जो न्यूरॉन है जो इससे कनेक्टेड है उससे सिग्नल को रिसीव करना. तो थ्रू डेंड्राइट ये जो न्यूरॉन है ये रिसीव कर रहा है यहाँ पे क्या सिग्नल फ्रॉम अनदर न्यूरॉन. राइट, नाउ आफ्टर कमिंग द सिग्नल फ्रॉम द डिफरेंट न्यूरॉन ये जो सेल बॉडी में आता है, और सेल बॉडी का काम है सम करना सारे इनपुट्स को, जितने भी इनपुट सारे डिफरेंट न्यूरॉन से उसको सम अप करना और फिर उसको ट्रांसफर करना थ्रू एक्सॉन. जो दिस इज नोन एज द एक्सॉन. An axon is used to transmit the signal to other cells. So through this axon, your signal will be transmitted to other cell. So this is the actual working of a neuron in the human brain. ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? The building block of neural net is the neurons. तो neuron के through ही आपका जो neural net बनता है. An artificial neurons works much the same way the biological one. तो जो भी biological neurons होता है
उसी को मिमिक करके आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स काम करता है. तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है कि व्हाट एग्जैक्टली द न्यूरॉन्स इज. इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास जो कन्वेंशनल मेथड था, तो कन्वेंशनल मेथड में आपने यहाँ पे कुछ डॉग्स की पिक्चर्स ली एंड देन यू ट्रेन दिस मशीन. ठीक, यू ट्रेन दिस मशीन यूजिंग दिस फोर सेट ऑफ डॉग्स. तो चार डॉग्स थे, यूजिंग दिस डॉग्स यू हैव ट्रेन दिस मशीन एंड नाउ यू आर पुटिंग दिस पिक्चर एंड गिविंग द इनपुट टू दिस ट्रेन मॉडल एंड आस्किंग वेयर इज द डॉग इन दिस पिक. ठीक है, वेयर इज द. अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे डॉग ये वाला है, लेकिन ये वाला जो डॉग है यहाँ इनपुट में हमने दिया ही नहीं था. ठीक है, तो ये क्या है, ये फेल हो जाएगा इसको आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ पे कोई डॉग है नहीं, बिकॉज दिस डॉग हैज नॉट बीन फेड ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग मॉडल. लेकिन जो आपका न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि देर इज वन डॉग इन द पिक. तो ये कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है थ्रू द फीचर्स ऑफ द ईच डॉग, कि डॉग के फीचर्स क्या है, ना कि उसकी पिक्चर बल्कि द फीचर्स ऑफ ईच डॉग. सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द फीचर्स ऑफ द डॉग, एनी डॉग कैन बी आइडेंटिफाई इन द पिक्चर. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. सो हियर दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन विच शोज the artificial neural networks are computing systems inspired by the biological neural networks that constitutes animal brains. Such system learn the what you learn to do tasks by considering the examples generally without task specific programming. To conventional method mein hame batana padta ki is tarike ka bhi ek dog hai aur usko input mein dena padta tabhi wo kaam karega. लेकिन जो आपका न्यूरल नेटवर्क है वो सिर्फ फीचर्स को आइडेंटिफाई करेगा एंड बेस्ड ऑन द फीचर फ्रॉम दिस पिक्चर ओनली दिस एनिमल सेटिस्फाइंग ऑल द फीचर्स. सो द मशीन कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज वन डॉग इन दिस पिक्चर. ठीक है, अब ये जो हमने जो बात की थी कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो है वो आपका इस तरीके से दिखता है, बायोलॉजिकल ड्रोन जो न्यूरल है जिसमें आपका डेंड्राइट होता है, बॉडी सेल बॉडी होती है और सिनेप्स होता है और एक्सन होता है. सो दीज आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ योर बायोलॉजिकल न्यूरॉन. इसी बायोलॉजिकल न्यूरॉन को आर्टिफिशियल न्यूरॉन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियली इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको कहते हैं परसेप्ट्रॉन, इसको कहते हैं परसेप्ट्रॉन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनपुट के लिए ये यहाँ पे न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, दीज आर एन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर. तो हर एक न्यूरॉन एक इनपुट ले रहा है, यहाँ पे एक्स वन ले रहा है, एक्स टू ले रहा है और एक्स एन है. ठीक है, और ईच इनपुट इज हैविंग सर्टेन वेट्स एसोसिएटेड विथ. सो एक्स वन इज हैविंग डब्ल्यू वन, एक्स टू इज हैविंग द डब्ल्यू टू, एक्स एन इज हैविंग द डब्ल्यू एन, सो ऑन. After taking all the these what you can say the inputs and weights, it process over here. This is known as the summation. What it does? It does x1 into w1 plus x2 into w2 plus x3 into w3 and so on. So it will become your summation of xi wi. So I varies from 1 to n, right? सो दिस समिशन ऑफ ऑल दी इनपुट वेरिएबल. तो ये जो सेल बॉडी है इसका काम भी यही था, तो ये यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं. फिर ये यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन लगा रहा है, और ये ट्रांसफर फंक्शन क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि कौन सा आउटपुट यहाँ पे परफॉर्म करना है, क्या वाई वन आउटपुट आएगा, वाई टू आएगा या वाई एन आएगा. इट डिपेंड्स अपॉन सम एक्टिवेशन फंक्शन. एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से इनपुट पे कौन सा आउटपुट हमें देना है. ठीक है, जैसे कि आपने जो नोट दिया है ये रियल बता रहा है ये फेक बता रहा है, तो दोनों तो बताएगा नहीं, वो या तो रियल बताएगा या फेक बताएगा. तो बेस्ड ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन इट आइडेंटिफाइज दैट वेदर इट इज द रियल वन और द फेक वन. ठीक है, इसको आगे एग्जाम्पल से भी देखेंगे. तो
जो दो काम है पूरे मशीन लर्निंग के अंदर ही, ये दो काम होते हैं आपका ट्रेनिंग मोड। ट्रेनिंग मोड में क्या हो रहा है कि द न्यूरॉन कैन बी ट्रेंड टू फायर। फायर का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि फेक बताएगा तो वो फायर हो गया, और अगर वो रियल बताएगा, रियल नहीं बता रहा है तो वो फायर नहीं हुआ। तो मतलब जो आउटपुट वो दे रहा है इसका मतलब उस पर वो फायर हो गया, अदरवाइज वो नहीं हो रहा है। तो हम हर एक न्यूरॉन को ट्रेन करेंगे टू बी फायर्ड, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर इनपुट पैटर्न्स। तो ये ट्रेनिंग के अंदर हो गया। यूजिंग मोड क्या होता है आपका, व्हेन ए टॉट इनपुट पैटर्न इज डिटेक्टेड एट द इनपुट, इट्स एसोसिएटेड आउटपुट बिकम्स द करंट इनपुट। तो ये आगे हम देखेंगे कैसे इनपुट को आउटपुट में ले रहे हैं। जो मैं एक्टिवेशन फंक्शन की बता रहा था कि सारे इनपुट को लिया उसने, समेशन किया, समेशन करने के बाद में अब हमें किसको फायर करना है और किसको नहीं करना, इट डिपेंड्स अपॉन दिस डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन। ये पहला जो एक्टिवेशन फंक्शन है इसका नाम है स्टेप फंक्शन। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले रहा है कि लेट्स सपोज दिस इज जीरो, दिस इज वन। तो अगर वो इसके रेंज में रहेगा तब तो वो फायर रहेगा, अदरवाइज वो नहीं रहेगा। सो दिस इज नोन एज द स्टेप फंक्शन। इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में मैं बता दूंगा। दिस इज नोन एज द सिग्मोइड फंक्शन। तो एस कर्व ऐसे बनता है जिसमें सिग्मोइड फंक्शन होता है, एंड दिस इज नोन एज द साइन फंक्शन। तो ये तीन तरीके के फंक्शन होता है, जो एक सर्टेन रेंज के अंदर अगर वैल्यू रहेगी तो फायर होगा, अदरवाइज वो फायर नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज द एक्टिवेशन फंक्शन। अब इसने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, एक एनालॉजी ली है, और उसके थ्रू ये बताना चाह रहा है कि डिफरेंट इनपुट्स पे कैसे आपका एल्गोरिथम काम करती है, परसेप्ट्रॉन वाली। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, ये बोल रहा है सपोज यू वॉन्ट टू गो टू ए बियर फेस्टिवल। तो ये एक बियर फेस्टिवल हो रहा हैपनिंग नियर योर हाउस, सो योर डिसीजन विल डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर। तो तीन फैक्टर ऐसे है चूज किए इसने कि आपको वहां पे जाना है या नहीं जाना है, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट, हाउ इज द वेदर, सो डेफिनेटली वेदर इज गुड देन डेफिनेटली यूल गो। सेकेंड, योर वाइफ और हस्बैंड इज गोइंग विथ यू। तो ये सेकेंड फैक्टर है कि अगर वाइफ और हस्बैंड साथ जा रहे हैं तो आपको जाना है या नहीं जाना, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर। एंड थर्ड वन इज एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल और नॉट, सो दिस इज द थर्ड फैक्टर। तो तीन इसने इनपुट वेरिएबल्स लिए हैं। पहला तो ये कह रहा कि अगर वेदर अच्छा हुआ देन डेफिनेटली ही विल गो वेदर, और दूसरा है कि योर वाइफ और हस्बैंड इज गोइंग विथ यू, तो ये डिसाइड करेगा कि जाना है कि नहीं जाना। थर्ड है एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अब इसको वहां पे पहुंचना है, सो ही इज ऑल्सो सीकिंग वेदर देर इज एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो मे बी ही विल नॉट गो। तो यहाँ पे तीन इनपुट हो गया। तो तीन इनपुट हो गए, तो हर एक इनपुट की दो पॉसिबिलिटी हो गई। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, जो एक्स वन है कि वेदर, हाउ इज द वेदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाउ इज द वेदर, तो अगर एक्स वन वन है तो मतलब वेदर इज गुड। वेन वेदर इज गुड देन इट विल बिकम वन, वेन वेदर इज बैड इट विल बिकम जीरो। सिमिलरली एक्स टू, सो योर वाइफ इज गोइंग विथ यू, सो इफ वाइफ इज गोइंग देन इट विल बिकम वन, अदरवाइज जीरो। इन द सेम वे इफ पब्लिक ट्रांसपोर्टमेंट इज अवेलेबल देन वन, अदरवाइज जीरो। सो हमने तीन इनपुट्स देख लिए, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और उसकी तीन वैल्यूज देख ली, जीरो और वन। और जो ये इनपुट हो गए जो हमने तीन अभी देखा है वो इनपुट है, और आउटपुट क्या होगा कि यू आर गोइंग टू द बियर शो, बियर फेस्टिवल, एंड सेकेंड इज जीरो, इट मीन्स यू विल नॉट गो, यू विल बी एट होम। तो ये इनपुट और आउटपुट हमने डिसाइड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो न्यूरल नेटवर्क है ये एक हमें ऑप्शन देता है कि यू कैन प्रायोरिटाइज द इनपुट्स। प्रायोरिटाइज का मतलब ये है कि तीन इनपुट में से कोई ऐसा एक इनपुट ऐसा होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, और किसी एक की होगी या मल्टीपल्स की होगी जिसकी लो होगी कंपेयर टू दी दी फर्स्ट वन। तो फॉर एग्जांपल आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर किसी दोस्त को बुला सकते हैं। आपकी वाइफ जा रही है या आपका हस्बैंड जा रहा है या नहीं जा रही, आपको इसकी भी केयर नहीं है। यू ओनली कंसिडर, यू ओनली कंसर्न अबाउट दी वेदर कंडीशन। अगर वेदर अच्छा है देन यू विल डेफिनेटली गो। तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि माई वाइफ और माई हस्बैंड इज गोइंग विथ मी,
और दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल और नॉट, बस मुझे फर्क पड़ता है कि इफ द वेदर इज गुड देन डेफिनेटली आई विल गो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इसको हाई वेट देगा और बाकी को लो वेट दे देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो W1 है आपका, W1 वो X1 से एसोसिएटेड था, W2 है वो X2 से है, नेक्स्ट W3 जो है वो X3 से है। अब चूंकि आई एम गिविंग द हाइएस्ट वेट टू द फर्स्ट इनपुट विच इज द वेदर एंड गिविंग द मिनिमम वेट, राइट, मिनिमम वेट टू अदर इनपुट्स, तो यहाँ पे जो है इसने थ्रेशोल्ड किया है फिक्स। थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि अगर जो इनपुट वैल्यू है इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी देन दी आउटपुट विल बी फायर्ड अदरवाइज नॉट फायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सिक्स है, ये टू है और ये टू है और ये है फाइव, तो इट विल फायर वेन द वेदर इज गुड एंड वॉन्ट फायर इफ वेदर इज बेड। तो फायर कब करेगा, जब वेदर गुड होगा, और फायर नहीं करेगा जब वेदर बेड रहेगा। तो इसको इसने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे यू कैन सी दैट वन क्रॉस सिक्स, वन क्या है कि लेट सपोज वेदर इज गुड, मैंने कहा था वन रिप्रेजेंट वेदर इज गुड इन टू सिक्स प्लस लेट सपोज योर वाइफ इज नॉट गोइंग अलॉन्ग विथ यू एंड सो इट विल बिकम जीरो इन टू टू एंड लेट सपोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल देन इट विल बिकम जीरो इन टू दिस टू, जीरो इन टू दिस टू, राइट। सो द फाइनल आउटपुट विल बी वन क्रॉस सिक्स विच इज सिक्स एंड ऑब्वियसली सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव सो आउटपुट विल बी वन, इट मीन्स यू आर गोइंग टू द बियर फेस्टिवल, ठीक है। सिमिलरली लेट सपोज देर इज अनदर एग्जाम्पल विच इज ऑल्सो गिविंग द सेम वेट एज दिस द प्रीवियस एग्जाम्पल बट द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज रिड्यूस टू थ्री। नाउ अगेन कैलकुलेट दिस वैल्यू। अब लेट सपोज कि वेदर इज नॉट गुड, राइट, वेदर इज नॉट गुड बट योर वाइफ इज गोइंग एंड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल सो द फाइनल वैल्यू विल बिकम फोर, ऑब्वियसली फोर इज ग्रेटर देन थ्री देन डेफिनेटली विल गो टू द बियर फेस्टिवल। सो दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑल्सो अफेक्ट्स द इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है, कि वेदर यू हैव गिवन द हाई वेट टू सम पर्टिकुलर इनपुट बट इफ इट इज जीरो देन इट इट विल बी इट विल बिकम जीरो, इट विल बी नेग्लेक्टेड एंड अदर फैक्टर्स वेट्स और द सबमिशन इफ इट इज ग्रेटर देन सम थ्रेशोल्ड देन इट विल अफेक्ट योर आउटपुट ऑल्सो। सो दीज आर टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव नेग्लेक्टेड द रेस्ट ऑफ द टू इनपुट्स एंड सेलेक्टेड ओनली वन, इन द सेम वे हियर वी हैव नेग्लेक्टेड दिस वन एंड दे सेलेक्टेड दिस वन दिस टू, ठीक है, एंड द आउटपुट इज वन, हियर आउटपुट इज ऑल्सो वन। सो ऑल दिस थिंग्स डिपेंड अपॉन द थ्रेशोल्ड वैल्यूज ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट इज द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। सो वॉट एग्जैक्टली द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इज, जो हमने अभी तक बात की थी वो था आपका सिंपल परसेप्ट्रॉन या फिर आप कह सकते हो सिंपल न्यूरल नेटवर्क या फिर आप कह सकते हो परसेप्ट्रॉन। उसका क्या क्या था कि किसी भी सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, लेकिन अगर जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए जो लेयर्स है द नंबर ऑफ लेयर्स है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे दो हिडन लेयर है, एक इनपुट लेयर है और एक आउटपुट लेयर है, राइट। सो इनपुट लेयर का काम क्या है, टू टेक द इनपुट एंड आउटपुट लेयर का काम है टू प्रोड्यूस द आउटपुट एंड इनपुट इन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर देयर आर मल्टीपल लेयर्स व्हिच इज नोन एज द हिडन लेयर, राइट, दिस इज नोन एज द हिडन लेयर। तो हिडन लेयर जो है ये डिपेंड करती है कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो क्या है, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी इट मीन्स यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ हिडन लेयर्स अकॉर्डिंगली, राइट। तो दिस इज नोन एज द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और द एक्चुअल द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो चूंकि हमारे ब्रेन्स में जो है काफी सारे न्यूरोन्स होते हैं, काफी सारे लेयर्स होती हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड हम जो है मिमिक करना चाह रहे हैं जो एक्चुअल ब्रेन की वर्किंग प्रोसेस को, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क आपका प्रिपेयर किया गया है। तो ये नंबर ऑफ हिडन लेयर है वो
मल्टीपल हो सकती है, इसलिए इसको कहते हैं हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और यू कैन से द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको देखेंगे। और मल्टी लेयर का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका सिंपल परसेप्ट्रॉन है वो सारी प्रॉब्लम्स को नहीं सोल्व कर पाता, और जो हम सोचते हैं कि इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम है कि बियर फेस्टिवल में जाना है तो वन हो जाएगा अदरवाइज ज़ीरो, तो ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमने पहला एग्जांपल लिया था टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नोट इज द रियल और फेक, सो इन सच केसेस टू आइडेंटिफाई सम पैटर्न ऑफ द गिवन इमेज देन वी नीड द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें लेयर्स और भी बढ़ेंगे और जितनी ज़्यादा लेयर्स होगी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। So if you have in doubt then go ahead, Harshit and Mohit. Sir, threshold values कैसे decide होती है?